खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। और उसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जनतंत्र टीवी पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य प्रताप शाही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। लगातार कोरोना वायरस को लेकर पूरा देश लड़ रहा है और जी, और इससे जीतने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है, तो वहीं हम लगातार देख रहे हैं कि यूपी में भी किस तरीके से सरकार डेली एक मीटिंग बुलाती है और कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जाते हैं। सबसे पहले किसानों के लिए यूपी सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? आपको बहुत नमस्कार। उत्तर प्रदेश में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले दिन से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिए और भारत सरकार ने भी, हम लोगों ने संपर्क किया और भारत सरकार ने भी 28 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत जो है वो अपने निर्देश और एडवाइजरी जारी करी और उसके मुताबिक जो है वो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में किसानों की सुविधाओं के लिए सब कुछ जो बन सकता है उसको करने का प्रयास किया है। विशेष रूप से इस समय समस्या खेतों में खड़ी रबी के फसल की कटाई मड़ाई को लेकर के थी और उसको बाजार को पहुंचाने की थी, उसके समस्या का समाधान हम लोगों ने निकाला और हमने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के भीतर हार्वेस्टर कंबाइन चलाने की अनुमति प्रदान कर दी और साथ साथ में ये व्यवस्था कर दिया कि जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स या बीज की दुकानें होंगी उनको भी एक निर्धारित समय पर खोलने की व्यवस्था हो चुकी है। हमारे जो कृषि यंत्र हैं उनके सर्विसिंग सेंटर, ट्रैक्टर और कंबाइन वगैरह के सर्विसिंग सेंटर को भी खोलने की व्यवस्था हम लोगों ने कर रखा है और साथ साथ में स्पेयर पार्ट्स की भी। तो इस तरीके से प्रदेश के भीतर किसानों को कटाई मड़ाई को लेकर के किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उनकी समस्या का समाधान निकाला जा चुका है। और 15 तारीख से हमारे खास तौर पर उत्तर प्रदेश में रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल गेहूं है। आपको मालूम है कि देश का 32% गेहूं का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में होता है और उस दृष्टि से गेहूं की फसल की बहुत ही महत्व उत्तर प्रदेश के भीतर है, तो उसके कटाई भी लगभग 60% से ऊपर पहुंच चुकी है। और हम लोगों ने 15 अप्रैल से अपने क्रय केंद्र भी सभी प्रदेश के जनपदों में संचालित कर दिए हैं और लगभग 5,000 से ज्यादा हमारे क्रय केंद्रों की को जिलाधिकारियों के द्वारा उनको अनुमति प्राप्त हो गई है, जहां पर 15 तारीख से MSP के आधार पर 1925 रुपए गेहूं की MSP है उस पर खरीदारी प्रारंभ कर दी गई है। और कल तक जो मेरे पास सूचना थी उन क्रय केंद्रों से 5682 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद भी कल शाम तक संपन्न हो चुकी है। हम लोगों ने दलहन और तिलहन की खरीदारी के लिए भी बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों में और अलीगढ़ और आगरा मंडल के जनपदों में दलहन और तिलहन की खरीदारी के लिए भी हम लोगों ने कुछ दुकानें वहां पर खोल दी हैं और वहां पर MSP के आधार पर चना, मटर, मसूर और सरसों की खरीदारी भी हम लोगों ने करानी शुरू कर दी है। तो इस प्रकार से प्रयास किया गया है कि किसानों के द्वारा जो उत्पादित फसल है उसकी सही कीमत मिले। राज्य के भीतर गन्ना चीनी मिले चलाए जाने के आदेश मुख्यमंत्री जी ने 28 तारीख को ही दे दिए थे और जिससे गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान है। अभी भी प्रदेश की लगभग 96 चीनी मिले हमारी चल रही हैं जहां पर गन्ना किसान अपने गन्ने की आपूर्ति कर रहा है। उसी समय हम लोगों ने प्रदेश के चलने वाले गुड़ उद्योग के लिए जो हमारे कोल्हू चलते हैं और जो खांडसारी चलती है उनको भी अनुमति दे दिया था जिससे कहीं पर भी गन्ना किसान को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। राज्य के भीतर फर्टिलाइजर के कारखानों को भी शुरू में ही अनुमति इस बात की प्रदान कर दी गई थी 28-29 मार्च को ही कि वो संचालन करें जिससे कि उर्वरकों की कोई कठिनाई राज्य के भीतर या राज्य के बाहर न हो सके। हमारे सभी खाद के कारखाने संचालित हैं जहाँ पर उनका उत्पादन हो रहा है। प्रदेश के भीतर में यूरिया खाद आने के लिए या फर्टिलाइजर को आने के लिए जो रेलवे रैक होती है उनको भी हम लोगों ने अनुमति दे दिया था। साथ में जो पल्लेदार उतारने का काम करते हैं उनको भी अनुमति उस समय से मिली हुई है, तो पल्लेदारों का भी रोजी रोटी भी चल रहा है और हमारे फर्टिलाइजर का भंडारण भी हो रहा है, उनके क्रय केंद्र भी चल रहे हैं।
इससे प्रदेश में कहीं भी किसान को खेती बाड़ी को लेकर के समस्या नहीं है। अभी मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि साग सब्जियों के को आसानी से जो है वो बाजारों में पहुंचने दिया जाए, और इसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को भी ये निर्देश है कि ग्रामीण क्षेत्र से जब किसान अपने साग सब्जियों को लेकर के आता है तो किसी तरीके का उसको कठिनाई न हो। ये जरूर है कि उनको जो बिल्कुल सावधानियां बरतनी है, पुलिस कर्मी लगे हुए हैं, ठीक इसी तरह किसान भी हमारे देश के अन्नदाता हैं और वो भी लगातार लगे हुए हैं, उन्हें कोई परेशानी ना हो इसके लिए सरकार खड़ी है और तमाम तरीके की योजनाएं भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच एक चीज और है, जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे ज्यादा खेती गेहूं की होती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मशीनें जो आती हैं वो अन्य राज्यों से जरूर आती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यहाँ से मशीनें आती है। तो फिलहाल जिस तरीके से लॉकडाउन जैसी स्थिति है, कहीं ना कहीं आवागमन जो है वो बंद हो गया है, तो क्या वहां की सरकारों से आप बातचीत कर रहे हैं ताकि कृषि यंत्र जो है वो लाया जा सके? देखिए, भारत सरकार ने ही सारे कृषि यंत्रों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का अनुमति दे रखा है, और वहां के हर राज्य सरकार अपने यहां से कृषि यंत्रों को आवागमन में किसी प्रकार का रोक टोक नहीं कर रही है। हमारे राज्य के भीतर इस समय लगभग 10,000 हार्वेस्टर, कंबाइन और रीपर काम कर रहे हैं, और तेजी से, मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले 8-10 दिन के भीतर 60% से ज्यादा गेहूं की कटाई संपन्न होने की स्थिति में है। तो इसलिए किसान को कहीं पर भी असुविधा नहीं है। वहां से अन्य राज्यों के भी लगभग 1,500 कंबाइन और हार्वेस्टर यहाँ पर आए हैं, अन्य जनपदों के भी संचालन हो रहे हैं, और जिले के भीतर किसी भी कंबाइन और हार्वेस्टर को जिस जनपद के भीतर उसका मालिक है वहां पर उसको संचालन करने में कोई कठिनाई नहीं है। या दूसरे जनपद में जाना है तो जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर के जा रहे हैं। राज्यों को भी हम लोगों ने यह व्यवस्था अपने राज्य के भीतर कर दी है कि जहां का वो कंबाइन और हार्वेस्टर वाले हैं, यदि वहां के जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर के आएंगे तो उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद के भीतर जा करके वो कटाई और मड़ाई का काम कर सकते हैं, और उसमें किसी प्रकार का कोई रोक टोक या उनको कठिनाई नहीं होगी। और इसी लाभ का फायदा उठाते हुए 1,500 से ज्यादा कंबाइन राज्य के भीतर इस समय कटाई का काम कर रहे हैं। सिर्फ ध्यान इतना देना है कि हमको हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जो प्रोटोकॉल, जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि हमको खेतों की कटाई मड़ाई करते समय भी दूरियां बना करके रखनी है, हमको मास्क या गमछे से मुंह लपेट करके जाना है, अपने कृषि यंत्रों को हमें सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज करना है, और साथ साथ में जो है, नहीं यदि सैनिटाइजर है तो हमको साबुन पानी से हाथ धोना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण अनावश्यक हमको बाजार या सड़कों पर नहीं निकलना है। सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जो बहुत तेजी से फैल रही है। जितना दूरी बनाए रखेंगे उतना ही ज्यादा हम सावधान रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। इन सबके बीच एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जिस तरीके से लॉकडाउन लागू हो गया है और कुछ जगहों को सील कर दिया गया है यूपी में, तो वहां के किसान अपनी फसलों को कैसे वहां से बेच सकेंगे सरकार तक, वो कैसे जुड़ेंगे सरकार से? देखिए, ज्यादातर शहरों के भीतर ही जो है वो सील किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर किया गया है, जहां पर पॉजिटिव केस पाए गए हैं उन गांव को ही बस सील करके रखा गया है जी। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के भीतर सील वाले कंडीशन बहुत कम हैं, और हमारे अभी भी 35 जिलों के भीतर जो है वो 30 जिलों में अभी भी हमारा एक भी पॉजिटिव केस नहीं है, जहां कोई भी सीमा सील नहीं की गई है। तो इसलिए कहीं पर भी इस तरीके का कठिनाई नहीं है। बिल्कुल, और लगातार हम भी यही उम्मीद करेंगे कि हमारी जो अन्नदाता हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि इससे पहले हमने कई बार देखा है बरसात, ओलावृष्टि और आंधी के चलते कई बार जो फसलें हैं वो बर्बाद हुई हैं, और अब एक ऐसी महामारी सामने आ गई है जिसे किसी ने देखा नहीं है, जिसे किसी ने अब तक समझा नहीं है, लेकिन बस अब ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने की। मेरा सवाल उन मंडियों को लेकर भी होगा कि जहाँ पर किसान अपनी फसल लेकर आते हैं वहाँ पर किस तरीके से सैनिटाइज किया जाता है पूरी जगह को? देखिए, वहाँ रोज प्रतिदिन जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है, सैनिटाइजर वहाँ पर रखा हुआ है जी। और जो किसान आते हैं या व्यापारी आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, और किसी भी प्रकार से वहाँ पर कठिनाई नहीं है। किसानों के लिए प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो पीएम किसान सम्मान निधि थी
उसको एडवांस उन्होंने अप्रैल महीने में ही जारी करवा दिए हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के 1,85,37,000 किसानों को 3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके खातों में पहुंच गई है। इसलिए उनको अपने कामकाज में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जनधन योजना के भीतर भी 500 रुपए हर जनधन खाते में पहुंच गया है और अगले 3 महीने तक जाने वाला है, तो उनको भी जो जनधन के खाते वाले हमारे किसान या महिला किसान हैं, लगभग वो 3 करोड़ के करीब होंगी, उन तक पैसा पहुंच गया है, उन्हें भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। जो हमारे मनरेगा मजदूर हैं, मनरेगा के उन मजदूरों को लगभग 650 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि राज्य सरकार ने उनके खातों में भेज दी है। 35 लाख से ज़्यादा लोगों को उससे लाभान्वित हुए हैं। श्रम विभाग के 20 लाख मजदूरों को 1,000 रुपए की धनराशि भेज दी गई है। तो और इसी तरीके से नगरीय क्षेत्र के वो लोग जो रोजमर्रा आकर के अपना ठेला घूमटी या खोमचा या रिक्शा या अन्य काम करते थे, ऐसे लोगों को भी 5 लाख से ज्यादा लोगों को धनराशि भेज दी गई। तो इस तरीके से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी ताकत देने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का कोई संकट नहीं है। जहां आपने ओला और बरसात की चर्चा की है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत भी प्रदेश के 3,63,699 किसानों को 350 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि उनके खातों में भेज दी गई है और जो उनकी फसल की क्षति हुई थी उसको भरपाई किए जाने का काम किया गया है। और अभी 1,23,849 किसानों के खातों में 168 करोड़ 32 लाख रुपए और पहुंचने की प्रक्रिया में है, जो इसी सप्ताह तक के अंत तक उनके खातों में पहुंच जाएगा। बिल्कुल, और लगातार हम यही देख रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये व्यवस्था किया है कि कोई समस्या न हो। जी बिल्कुल सूर्य प्रताप जी, और आप जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार हालात इस वक्त देश में बने हुए हैं, कहीं ना कहीं हर तबका परेशान है। और बात अगर हम किसान की कर रहे हैं तो किसानों की परेशानी आपसे ज़्यादा और कौन समझे, क्योंकि आप खुद एक कृषि मंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये पता होगा कि इस वक्त क्या क्या ज़रूरत है किसानों को। फिलहाल किसानों को लॉकडाउन के दौरान क्या क्या छूट दी गई है, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। वो तो मैंने आपको बता दिया कि उनको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के भीतर 1,85,37,000 किसानों को 37 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। जो मई या जून महीने में मिलते वो अप्रैल महीने में ही जारी कर दिया गया है। ठीक किसी प्रकार से मैंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भीतर खरीफ की फसल में प्रभावित किसानों का हम लोगों ने 3,63,699 किसानों को 350 करोड़ 76 लाख रुपए की धनराशि हम भेज चुके हैं। हम इस बात की व्यवस्था कर रहे हैं कि बुंदेलखंड में 80% अनुदान पर हम बीज उपलब्ध कराएंगे खरीफ के मौसम में। राज्य के भीतर खरीफ के फसल के लिए खरीफ का बीज 50% अनुदान पर हम प्रमाणित और आधारित बीज किसानों को सुलभ कराएंगे। उसके लिए कृषि विभाग तत्परता से काम कर रहा है। अभी थोड़े दिन में खरीफ के कृषि यंत्रों के लिए भी हम लोग कृषि यंत्रों को भी अनुदान पर देने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। जब 20 तारीख के बाद जब और रियायतें मिल जाएंगी और जब अन्य दुकानें खुलनी शुरू हो जाएंगी, तब तक उस बारे में भी हम लोग इस बारे में विचार करेंगे। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत न हो। प्रदेश में दूध की आपूर्ति निरंतर हो रही है, हमारी विभिन्न डेयरियाँ और प्रोसेसिंग जो हमारे यूनिट्स हैं वो उनकी खरीदारी कर रहे हैं, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाने का काम कर रहे हैं और रोज नियमित दूध की आपूर्ति भी हो रही है। भारत सरकार ने मछली और अंडे के कारोबार पर भी अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जो 20 तारीख से जो छूट होगी उसमें उनको भी ये सुविधा प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से प्रयास ये हुआ है कि कृषि क्षेत्र के भीतर किसानों को किसी तरीके का कोई कठिनाई न हो, यह प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी ये निर्देश है, उसका हम लोग 100% पालन कर रहे हैं। और आप भरोसा रखिए कि कहीं इस तरीके की कठिनाइयां नहीं है, जमीन पर हम लोगों ने उसका समाधान निकाला है।
बिल्कुल बिल्कुल सूर्य प्रताप जी, और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं, और बिल्कुल ही साफ तौर पर पूरा देश और पूरा किसान आपको सुन रहा है इस वक्त, और कहीं ना कहीं जो उनको उम्मीद थी जिस चीज़ की, वो भी उन्हें पूरी तरीके से मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और है, जो ऐसे मजदूर जो बाहर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से मदद की जा रही है? उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि उनको खाने पीने की कोई समस्या नहीं होगी। सभी जिलाधिकारियों को उनके भोजन पानी के लिए निर्देश दिए गए हैं। जहाँ राशन की कठिनाई होगी वहाँ राशन भी उपलब्ध कराए जाएंगे, और नहीं तो हमारे जो कम्युनिटी किचन चल रहे हैं उसके माध्यम से उनको भोजन आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य अन्य जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश के भीतर हैं उनका हर तरीके से ध्यान रखा जाएगा, और इसलिए उनको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका समाधान किया जा रहा है। बिल्कुल सूर्य प्रताप जी, और एक सवाल मेरा उन ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योगों से जुड़ा भी होगा, जहाँ पर फैक्ट्रियों में, छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते हैं कुछ मजदूर ऐसे हैं जो लगातार इस कोशिश में है कि जल्द से जल्द वो अपने राज्य चले जाए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी ने ये अपील की है कि जो जहाँ पर है वहीं पर रहें और अपने घरों पर रहें, किसी को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से वैश्विक महामारी ने अपने पूरी दुनिया में जाल फैलाया है, जिसमें 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें अब तक हो चुकी हैं और 20 लाख के करीब जो जिस भी महामारी से लोग प्रभावित हैं, तो स्वाभाविक रूप से इतने बड़े मानवीय जीवन पर आए हुए संकट के लिए हमको जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, देश की सरकारें हैं, विश्व समुदाय है, सबकी अपील इसी बात की है कि हमको लॉकडाउन को ठीक प्रकार से पालन करना चाहिए, और मीडिया को भी लॉकडाउन पालन कराए जाने के लिए अपनी मदद देनी चाहिए। जब इस तरीके की परिस्थितियां आती हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ कठिनाइयां खड़ी होती हैं, वो कठिनाइयां सामान्य दिनों में नहीं रहती। आज असामान्य परिस्थितियां हैं, और इसलिए हम पहले जैसे रहते थे आज उस प्रकार से हम यदि खुले में स्वच्छंद विचरण करेंगे तो हमारे बहुत बड़ा मानव जीवन को हानि हो सकती है, और इसलिए हमको कोशिश ये करना है कि जो स्वास्थ्य के निर्देश हैं उन निर्देशों का पालन करते हुए हमको घरों पर रहना है और अनावश्यक घर के बाहर नहीं निकलना है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ कठिनाइयां हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको भी मालूम है कि आप कठिनाइयों के भीतर हैं, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसका एकमात्र इस महामारी का उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो स्वाभाविक रूप से कुछ बंधन हमारे ऊपर रहेगा, और उस बंधन को हम कारगर ढंग से लगा करके और लोगों की जीवन की रक्षा कर सकें। भारत ऐसा देश है जो दुनिया का चीन के बाद सबसे बड़ा आबादी का देश है, और उसके बावजूद भी हमारे देश के भीतर प्रभावित लोगों की संख्या अभी 15,000 से नीचे की ओर है, और मरने वालों की संख्या भी 300 से भी नीचे है। दुनिया के यदि आप आंकड़ा देखें तो लाखों और हजारों में जा चुकी है। अमेरिका के भीतर 30,000 से ज्यादा आदमी की मौतें हो चुकी हैं, जबकि हमारे आबादी का 1/5 आबादी वहाँ, 1/5 आबादी है। तो ये चीज जो है, मीडिया भी इस बात को समझे और इसको, इस अनुशासन को बनाए रखने में सहयोग करे, या उसकी भी अपनी भूमिका है जिसका आप भी पालन करेंगी, कराएंगी और लोगों को जागरूक करेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और किसान हमारा बहुत ही जागरूक है, और गांव की हमारी माताएं बहनें और जो हमारी बहनें किसान हैं वो तो और ज्यादा जागरूक हैं। मैंने जितने लोगों को देखा है, चाहे वो राशन लेने गई हो, सब अपना मुंह ढक करके गई। तो ये हमारा देश एक जागरूक लोगों का देश है, और वो परिस्थितियों को समझता है और परिस्थितियों के साथ रहना जानता है, और इसलिए सब लोग सावधानी यदि बरतेंगे तो हम इस महामारी का मुकाबला कर सकेंगे और हमारा देश स्वस्थ रह सकेगा। हम इस कोरोना को हम पराजित करेंगे और भारत जीतेगा। भारत जो है इसमें दुनिया का मार्गदर्शन भी करेगा, ऐसा मैं मानता हूं, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसमें आप और किसान भाइयों का, हमारी किसान बहनों का, माताओं का, अन्नदाता भाइयों और अन्नदाता बहनों का, सबका बहुत बड़ा योगदान होगा। इसलिए
इसको ज्यादा से ज्यादा हम सोशल डिस्टेंसिंग बना करके रखें, सावधानी के साथ रहें, अनुशासन में रहें, संयम के साथ रहें और घर से बाहर न निकलें जब तक कोई बहुत आवश्यक काम न हो, यह मैं अपील करता हूं। बिल्कुल, यही हमारी भी अपील है और हम बार बार यही जनता से अपील करते हैं कि आप सब घर पर रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। इसीलिए यही कहा जाता है किसानों के लिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, किसानों की परेशानी हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी और हमेशा ही रहेगी। खेती उत्तम कार्य है, यही सम और ना हो, यानी कि कृषि उत्तम कार्य है, इसके बराबर कोई और कार्य नहीं होता, इसीलिए इतना बड़ा दर्जा किसान को दिया जाता है। सूर्य प्रताप शाही जी, आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमें दिया, महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। सर, तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो किसानों को लेकर क्या क्या योजनाएं तैयार की गई हैं सरकार की तरफ से, क्या तैयारी उनके लिए की गई है, उन्हें राहत किस तरीके से दिया जाए, ये कुछ जानकारी हमारे साथ साझा की सूर्य प्रताप शाही जी ने, कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के।